जो करने जा रही हूँ वो रात को मैं अभी करूँगी, अभी नाइट है सो वीडियो में भी मैं नाइट को ही बना रही हूँ, और मैं आप भी करूँगी इसका इस्तेमाल, सो मैं अभी बना रही हूँ। एंड अगर थोड़ा सा बचा तो मैं मॉर्निंग को भी इसका इस्तेमाल करूँगी। सो गाइस, ज़्यादा बात को बढ़ाते ना हुए, जो मैंने इंपॉर्टेंट थिंग्स है वही मैंने आपको बता दिया, तो ना बढ़ाते हुए मैं आपको इसका कैसे करना है बता देती हूँ। तो इसके लिए हमें यकृत पैक के लिए हमें चाहिए कर्ड, जो मैंने घर पे बनाया, खुद बनाया। अगर आप चाहो तो खरीद के भी लेके आ सकते हो और खुद बना भी सकते हो। और उसके बाद मैंने लिया है हनी, आप दिखाई दे रहे हैं, मैंने चम्मच में लेके रखा है हनी। हनी आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, मैंने डबल हनी लिया है, तो आप किसी भी हनी का या फिर घर पे बना हनी भी इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो इसमें नींबू पानी डाल सकते हो, ठीक है, मॉइस्चराइजर की तरह इस्तेमाल करो, तो नहीं डालोगे तब भी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। एंड आफ्टर दिस मैंने एक ग्लास लिया है, ग्लास बिल्कुल खाली, इसमें पानी वानी कुछ भी नहीं है, पूरा खाली है। आफ्टर दैट इसको क्या करना है, आपको पूरी चीज़ का मिश्रण बना देना है, ये दही आपको इसमें मिला देना है, उसके बाद आपको हनी भी मिला देना है। दही मिलाने के बाद आपको पूरे हनी को भी मिला देना है। मैंने हनी सिर्फ 1 टीस्पून लिया है, यानी कि एक ही चम्मच लिया है, देख सकते हो, तब इसी चम्मच से मैंने एक चम्मच लिया है, तो आप अपने हिसाब से लीजिएगा। दही भी आपने देखा है हाफ बॉयल मैंने लिया है, देखिए पूरा यहाँ तक मैंने लिया है, ठीक है, तो आप भी अपने हिसाब से लीजिएगा। आप अगर टॉनिंग स्प्रे की तरह इस्तेमाल करोगे तो ज़्यादा लीजिए। एंड गाइस, अगर आप 2 दिन से ज़्यादा रखोगे तो आप फ्रिज में इसका फ्रिज में रख दीजिए। एंड अब तक इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, ठीक है, अच्छे से इसको मिला लीजिए ताकि वो एकदम अच्छे से मिक्स हो जाए। सो गाइस, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं मेरा मिक्सचर पूरा रेडी है, ऑलमोस्ट रेडी है, ठीक है। तो आप भी इसको ऐसे ही मिक्स्ड बनाइए, और आफ्टर दैट मिक्स्ड होने के बाद इसको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए ढक के, किसी भी ढक्कन के सहारे इसको ढक के 5 से 6 मिनट तक रख दीजिए। एंड आफ्टर उसके बाद आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं भी इसे 5 से 10 मिनट तक रखूँगी, उसके बाद इसका इस्तेमाल मैं बारीकी बारीकी से करूँगी। आप उसको स्प्रे की तरह भी कर सकते हो, मैं इसको बारीकी से हाथ से ले लेकर अपने फेस पर मैसेज की तरह इस्तेमाल करूँगी। एंड गाइस, ये आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, इससे आपको बहुत कुछ मिलेगा। आपको ये होममेड कार्ड होममेड है, ठीक है, तो आप उसको मार्केट से भी लेके दही और ये सब कर सकते हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है गाइस। इससे क्या होगा, आपका स्किन थोड़ा सा जो स्किन का पार्टिंग हो जाता है ना वो कम हो जाएगा, एंड आपका स्किन थोड़ा सा जो भी आपके कलर है, जो कलर है उसी कलर में आपको थोड़ा सा शाइन दिखेगा, एंड पिंपल्स के जो दाग रहते हैं ना धब्बे, वो भी बहुत ज़्यादा कम होते हुए दिखाई देंगे। और ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, आप इसको बहुत अच्छे इस्तेमाल कर सकते हो। ओके गाइस, सो आपको मेरी वीडियो कैसा लगा आप अच्छे से देखिएगा। अगर आप ऐसे ही और वीडियोज़ चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। मिलती हूँ मैं आपको आपके नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट नए एक टॉपिक, नए एक आइडियाज़ के साथ। ओके गाइस, देन बाय बाय एंड टेक केयर।